राष्ट्रीय योग दिवस पर पाली जिले के सुमेरपुर में सांसद खेलो महाकुंभ के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम कस्बे के शिक्षा क्रांति रंगमंच सांसद महाकुंभ खेलों का आयोजन पूरे पाली जिले में आयोजित किया जा रहा है। आज सुमेरपुर से पूरे विधानसभा क्षेत्र में सांसद खेलो महाकुंभ का आगाज हुआ, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होंगे। कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से दौड़ रस्साकशी समेत कई खेलों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी वन्यजीव व सरकारी विद्यालयों की छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर नगरवासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर सौ और रजत बिश्नोई थानाधिकारी रामेश्वर भाटी अमरा राम मीणा समेत प्रशासनिक अमला मौजूद था। हमें हर साल मनाया जाता है, इस साल हमें मोदी जी के द्वारा मनाया गया योग दिवस है। आज क्रांति शिक्षा क्रांति रंगमंच में यह योग दिवस 5 साल से उम्र से लेकर 70 वर्ष के युवकों के बारे में बताया गया था। यहाँ एक्सरसाइज हुई, कुछ एक्टिविटीज हुई, गेम्स हुए और उन सब गेम्स में सब ने पार्टिसिपेट किया। कुछ गेम्स में बच्चे विनर्स भी हुए, उन्हें ट्रॉफी देके पुरस्कार देके सम्मानित किया गया। और जो युवा जो नेचुरल में आए थे उन्हें भी सम्मानित किया गया, सबका आदर से सत्कार से सम्मान भी किया गया। खेलों को लेकर आपका क्या विचार है? खेल तो हमें स्फूर्ति के लिए खेलने चाहिए। जिस प्रकार हमें यहाँ गेम्स खिलाए गए थे सब एक्टिविटीज़ के लिए थे, और जिस प्रकार रेस हुई, आई मीन रेस तो हमें करनी चाहिए बिकॉज सेहत के लिए अच्छी होती है, एंड बहुत और भी कुछ एक्टिविटीज़ एंड गेम्स भी खेलवाए थे। राजस्थान की सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है, पहले भी खेल का कार्यक्रम आयोजित हुए थे, अभी भी होने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहूँगी? राजस्थान सरकार जो गेम्स को आयोजित करना चाह रही है, हमारा यही कहना है कि और गेम्स हो तो अच्छा है, क्योंकि आज के युवा में बच्चे मोबाइल्स के लेकर ज़्यादा थोड़े उत्साह हो चुके हैं, तो इस युवा में हमें सबसे ज़्यादा बाहर के गेम्स ही थोड़े खेलने चाहिए, अन्यथा हमें मोबाइल से थोड़ा दूरी रहना चाहिए। आज का जो खेल प्रतियोगिता हुआ है उसमें लोग बहुत भाग लिया, आपने भी भाग लिया, कौन सा ऐसा गेम था जो अच्छा लगा आपको? मैंने जिस गेम में भाग लिया वो था रस्सी वाला गेम था, रस्सा कस्सी वाला, बिकॉज वो गेम बहुत अच्छा था एंड उसमें भी बहुत बच्चे विनर्स हुए। क्या नाम है आपका? टीना गहलोत।